रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। शनाया ने शिवम का साथ दिया है, यही उसकी गलती है। और आप क्या कर रहे हो बेबे, इन सब गलत चीजों में बच्चों का साथ क्यों दे रहे हो आप? और देखो ये जो पनिशमेंट है ममता जी ने दी है, शी इज अ लेडी ऑफ द हाउस, यू हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट शी सेड, ओके? लेकिन जब तेरी बीवी आएगी ना शिवम, तब डैड उसे डोरमैट की तरह ट्रीट करेंगे। तब तू ऐसा करना, एक पपेट बन जाना और जो डैड बोलेंगे वही करना। शिवम जानता है डैड का प्यार कंडीशनल है, इनकी तो नफरत भी कंडीशनल है ना। अपनी बीवी बेटी की इज्जत इज्जत है, लेकिन दूसरों की बेटियां उनकी इज्जत कुछ नहीं है, राइट डैड? I need to call Rishab. हाँ, दूसरों की बेटियां रात को 1 बजे तक बेइज्जत करके सड़कों पे खड़े रखना, That's cool. That's all right. देखा, फिर वही हुआ। तू वही बोल रहा है जो तेरी बीवी तुझसे बुलवा रही है। इतना दिमाग है मेरे पास डैड, कोई जरूरत नहीं है किसी के कहे पर चलूं। Why don't you understand? तेरी बीवी कितनी चालाक है, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि हम आर्केक फार्मा के प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं और तेरी बीवी भी उसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। हाउ इज दैट पॉसिबल? उसे लगा कि सीधे दरवाजे से उसे इस घर में एंट्री नहीं मिल रही है तो पीछे के दरवाजे से आ जाएगी ताकि वो इस घर का एक हिस्सा बन सके। इतने बड़े प्रोजेक्ट का इतना छोटा सा हिस्सा है पलक डैड, क्या करे वो? अपना काम ना करे वो? उसे उस प्रोजेक्ट इस घर से कोई लेना देना नहीं है, उसे सिर्फ मुझसे मतलब है, मुझसे। तुझसे, तेरे पैसों से, तेरी जायदाद से, तेरी 24 गाड़ियों से। अंधे हो गए हो डैड आप, तू अंधा हो गया है। क्यों मुझ पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो आप? मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, तेरी बीवी पर नहीं करता। और जब तक तू गलत के साथ है, मेरे लिए तू भी गलत है। मैं उसे बहू क्या, तेरी बीवी तक नहीं मानता। मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। तेरी समझ में आता है कि मैंने उसे आज तक देखा तक क्यों नहीं है? जब तुम्हारी शादी की खबर अखबारों में छपी तो मैंने बिना देखे वो अखबार जला दिए, इतनी नफरत करता हूँ उससे मैं। तू देख रहा शिवम, इस घर में किसी को किसी से प्यार करने की इजाजत नहीं है। कभी गलती से भी किसी से प्यार मत कर बैठना, क्योंकि उस लड़की की भी तू उतनी बेइज्जती करेगा जितनी आज मैं पलक की करवा रहा हूं। वो एक कंपनी की एम्प्लॉय है, तेरा भाई अपना काम कर रहा था, उसने उसके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। अगर कोई बदतमीजी हुई है तो वो पलक नहीं की होगी। I'm sure कि बदतमीजी तो पलक ने ही की होगी। I'm 100% sure. Correct? जिस लड़की की सूरत नहीं देखी उसकी सीरत को जज कर लिया आपने? हाँ? कल रात दिल्ली की सड़कों पर 1 बजे अकेली भटक रही थी वो। क्यों? क्योंकि कंपनी की एम्प्लॉय है वो। करेक्ट? गुंडों ने आके बदतमीजी की है उसके साथ डैड। अगर उसको कुछ हो जाता तो हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल डैड? वो एम्प्लॉय या आप? ये सब क्या हो रहा है? आई एम श्योर यू डोंट नो राइट? यार कैसे कर लेते हो आप ये सब? अभी तक मैं जो कर रहा हूं ऑनेस्टी से कर रहा हूं ताकि ये फैमिली जुड़ी रहे, बट यहां किसी को सच्चाई में कोई इंटरेस्ट है ही। मुझे बस ये बता दो ऋषभ भाई, ये सब आप पे क्यों विश्वास कर रहे हैं? उस लड़की ने तेरा क्या हाल बना दिया रिकी? तू कैसी हरकतें करने लग गया है? दारू पी के रोड पे तमाशा करता है, उसकी शादी पे जाके नाचता है, जेल तक जा चुका है तू और यहां पर सबको ब्लेम कर रहा है तू। That girl has bloody messed you up, Ricky. तुझे क्या हो गया है? शर्म करो आप। रिकी तू इस घर से बाहर चले जा। तुझे अपना बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है? तो मत कहो मुझे अपना बेटा।
आप वो करो जो आपको सही लगता है, जो आपको सही लगता है। कोई मेरी मत सुनना यहाँ पर। You know what? I'm done. मैं इस घर से अपना रिश्ता तोड़ता हूँ। आज मैं कहता हूं कि इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। करो तुम लोगों को जो करना है तुम लोग वो करो। मैं इस घर से अपना रिश्ता तोड़ता हूं। I am done. हाँ बोल रहा है रिकी, ये सब लड़ाइयां चलती रहती है बेटा। बस दादी बहुत हो गया। नहीं है ये परिवार मेरा, नहीं हो आप मेरे। अब मैं वापस यहां नहीं आऊंगा। आज तक मैं बस यही प्रूफ करने में लगा रहा कि क्या सही है और क्या गलत। बट यू नो व्हाट, आई एम डन डैड। खुश रहो डैड, जो अच्छा लगता है वही करो, वो मत करना जो मुझे अच्छा लगता है।